Hello students, today we will do chapter 8 in maths. So are you ready for this? Come on, chapter 8. Yeah, chapter 8 is division. Students, ये division जो है आपने earlier classes में भी किए हुए हैं. You already have done in your earlier classes. Earlier classes में आपने बहुत small वाले division किए होंगे, पर आपको third standard में थोड़े से उससे बड़े वाले division करने हैं. बट डिवीज़न करने से पहले आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में पता होना ज़रूरी है. सबसे पहले तो डिवीज़न का जो साइन होता है, वो डिवीज़न का साइन इस टाइप का होता है. आपको एक एग्जांपल यहाँ दे रखा है कि 12 divide 4 इज इक्वल टू 3. इसका मतलब ये कि आपको 12 को 4 से डिवाइड करना है. जब आप डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर 3 आता है. 3 ऐसे आता है कि जब आप 4 की टेबल बोलेंगे तो 4 की टेबल में जो 12 है वो 3 टाइम्स में आता है, तो इसलिए इसका आंसर 3 है. डिवीज़न में 3 टर्म्स होती हैं, डिविडेंड, डिविजर एंड क्वेश्चन. यहाँ जो डिविडेंड है वो है जिसको आप डिवाइड करोगे. यहाँ डिविजर वो है जिससे आपको डिवाइड करना है. और जो आपका आंसर आता है वो होता है क्वेश्चन. तो ये 3 टर्म्स जो है आपको समझ आई कि डिविडेंड कौन होता है, डिविजर कौन होता है और क्वेश्चन कौन होता है. डिविजर वो होता है जिसको आपको डिवाइड करना है. डिविजर वो होता है जो आप डिवाइड करने के लिए जिसको आप यूज़ करोगे, और क्वेश्चन आपका आंसर होता है. नाउ कम ऑन एक्सरसाइज 25. लुक एट द ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स. आप यहाँ देख रहे हैं पाइनएप्पल्स बने हुए हैं और ग्रुप्स में ही डिवाइड हैं. लाइक ये 1 ग्रुप है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5. आप बीच में लाइन ड्रॉ हो रही है, इसका मतलब ये ग्रुप्स में सेपरेटेड हैं. आपको यहाँ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग इनके आपको उसको रीड करना है और इनके आंसर गिव मतलब देने हैं. हाउ मैनी पाइनएप्पल्स आर देयर इन ऑल. आपको यहाँ देखना है पाइनएप्पल्स कितने हैं. आप देख रहे हैं यार 10 पाइनएप्पल्स है, इसका मतलब यहाँ आपको 10 राइट करना है. हाउ मैनी पाइनएप्पल्स आर देयर इन ईच ग्रुप. एक ग्रुप में कितने पाइनएप्पल हैं. आप देख रहे हैं एक ग्रुप में 2 पाइनएप्पल्स हैं. देन यू राइट 2 हेयर. हाउ मैनी ग्रुप्स आर फॉर्म्ड. यहाँ कितने ग्रुप्स बने हुए हैं. आप क्लियरली दिख रहा है 1 2 3 4 5. यहाँ 5 ग्रुप्स हैं. हाउ मैनी टूज आर देयर इन 10. आपको ये बताना है कि 10 में कितने 2 होते हैं. तो 5 2 होते हैं, ठीक है. तो 10 को जब आप 2 से डिवाइड करते हो देन आपका आंसर क्या आएगा, 5. सिमिलरली सेम क्वेश्चन 2 होगा. हाउ मैनी पेन्स आर देयर इन ऑल. यहाँ टोटल कितने पेन्स हैं, 8. हाउ मैनी पेन्स आर देयर इन ईच ग्रुप. स्टूडेंट्स यहाँ ग्रुप इस तरह से ना बन के इस तरह से बना हुआ है. यहाँ जो लाइन ड्रॉ है वो इस तरह से, इसका मतलब एक ग्रुप ऊपर वाला है, एक ग्रुप नीचे वाला है. इसका मतलब यहाँ पे ओनली सिर्फ 2 ग्रुप्स हैं. तो हाउ मैनी पेन्स आर देयर इन ईच ग्रुप. एक ग्रुप में कितने पेन्स हैं, 4. हाउ मैनी ग्रुप्स आर फॉर्म्ड, 2. हाउ मैनी फोर्स आर देयर इन 8. 8 में कितने 4 होते हैं, 2. और आपको 8 को 4 से डिवाइड करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 2. सिमिलरली क्वेश्चन 3 भी इस टाइप का होगा, या आपको घर पे करना है. क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी टाइप का होगा. मैंने बुक में फिल कर दिया है, आप भी घर पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे. इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 जो हम वर्कशीट में करेंगे, 5 to 16 हम वर्कशीट में करेंगे. लुक एट क्वेश्चन नंबर 17. 17 में आपको लाइन बनी हुई है, इसके ऊपर आप ये भी देख रहे हैं आपको लाइन वाले मेथड से डिवाइड करना है. लाइक आपको इस मेथड से डिवाइड करना है. आप देखेंगे 12 को 2 से डिवाइड करना है आपको, तो आप नंबर लाइन पे कैसे करेंगे. यहाँ पे 2 है, इसका मतलब आपको जो 12 है ना उसको 2 से डिवाइड करना है. तो आप पहले 0 से 2 पे जंप करेंगे, देन अगेन जंप 4. यहाँ पे आपको 2 के डिफरेंस में जंप करना है. तो 0 से पहले 2 पे किया, फिर 2 से 4 पे, फिर 4 से 6, फिर 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12. तो कितने जंप हुए हमारे टोटल, 1 2 3 4 5 6, मतलब 12 तक पहुंचने के लिए हमें 6 जंप करने पड़े. इसका मतलब 12 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो देन आपको 6 जंप करना पड़ेगा, मतलब इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. लुक एट वन मोर एग्जांपल इज, यहाँ 15 है. अब आपको 15 को 3 से डिवाइड करना है, मतलब आपको 0 से 3 तक 1 पार्ट लेना है, और इसी तरह से 3 के डिफरेंस में आपको इसे इक्वली डिवाइड करना है. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ कितने टाइम्स में हुआ, 1 2 3 4 5. तो आपका आंसर आ जाएगा 5. तो स्टूडेंट्स आपको इस तरह से जो बचे हुए हैं उसे फिल करना है. लुक एट द वर्कशीट, एक्सरसाइज 25.
डिवाइड यूजिंग द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। इसमें आपको सब्ट्रैक्शन मेथड से डिवाइड करना है। आप ये सोचेंगे सब्ट्रैक्शन मेथड से डिवाइड कैसे होगा, ये इस तरह से होगा। जैसे आपको 9 को 3 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन मेथड है, इसका मतलब आपको बार बार सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले आप 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जब आपने 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, देन आपके पास 6 बचा। अब इसमें आपको वापस 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर आपके पास रिमेनिंग 3 बचा। इसमें आपको फिर 3 सब्ट्रैक्ट करना है, फिर आपके पास 0 बचा। ये सब्ट्रैक्शन आपको तब तक करना है जब तक कि 0 नहीं आ जाए आपके पास। और हमने हर बार 3 सब्ट्रैक्ट किया है, हमने हमेशा 3 सब्ट्रैक्ट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ हमें 3 दे रखा है, इसलिए हमने हमेशा यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्ट किया है। तो हमने 3 कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ पर, 1, 2, 3। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना आएगा, 3। नाउ वन मोर एग्जांपल इज, अब यहाँ पे आपको 16 को 4 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब अब आपको 16 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है। अब फिर जो आएगा उसमें से आप 4 सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर जो आएगा उसमें आप 4 सब्ट्रैक्ट करोगे, और फिर जो आएगा उसमें आप 4 सब्ट्रैक्ट करोगे। लाइक यहाँ पे 16 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन वी गेट 12। 12 में से आप फिर 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी गेट 8। 8 में से फिर जब आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी गेट 4। और 4 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी गेट 0। यहाँ पे आपने कितने बार 4 सब्ट्रैक्ट किए हैं, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4। और ये सब्ट्रैक आपको तब तक करना है जब तक कि आपका आंसर 0 नहीं आ जाता। तो स्टूडेंट्स, ये आपका सब्ट्रैक्शन मेथड है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम पैटर्न से होगा। हमने वर्कशीट में ओनली 4 लिए हैं, बुक में तो बहुत सारे हैं, तो आप घर पे उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नाउ कम ऑन एक्सरसाइज 26। 26 के जो क्वेश्चंस है ये हम वर्कशीट में करेंगे। नाउ कम इन वर्कशीट एक्सरसाइज 26। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 डिवीजन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ आपको मल्टीप्लाई करके डिजिट दे रखी है आपको 3 × 6 = 18। आपको इसको डिवीजन में चेंज करना है, तो आप इसे डिवीजन में कैसे चेंज करेंगे, आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जब 18 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 6। और आप सेकंड फैक्ट ये भी लिख सकते हैं कि 18 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे, देन आपका आंसर क्या आएगा, 3। तो हमें यही तो लिखना था, हमारा आंसर यही तो है कि हमें 2 डिवीजन फैक्ट लिखने हैं, मतलब आपको इस मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन में चेंज करना है। आपको जो आंसर है उसमें से एक बार आपको इससे डिवाइड करना है और एक बार आपको इससे डिवाइड करना है, और जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। लुक वन मोर एग्जांपल, जैसे आपने 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया है, तो 4 × 8 = 32। अब आपका जो आंसर है उसमें से आप एक बार 4 को डिवाइड करोगे और एक बार 8 को डिवाइड करोगे, तो ये इस तरह से आपको इनके डिविजन फैक्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे अपोजिट स्टूडेंट्स, आपको डिवीजन दे रखा है और अब आपको इनका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट निकालना है। सो आप कैसे करेंगे, पहले आप 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट 24। फिर आप 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट 24। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हो गया, मतलब आपको सिर्फ डिजिट चेंज कर करके और आपका जो आंसर है वो तो सेम ही आएगा। ये क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से होगा, पहले 3 को 7 से करो, फिर 7 को 3 से करो, आंसर आपका सेम आएगा। सो ये आपकी एक्सरसाइज 26 कंप्लीट है। नाउ कम ऑन एक्सरसाइज 27। एक्सरसाइज 27 फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको बस फिल करना है। आपको 9 को 1 से डिवाइड करना है कि 1 की टेबल में 9 कितने टाइम्स में आएगा, ऑब्वियसली 9 टाइम में। 16 की टेबल में 1 कितने टाइम में आएगा, 16 टाइम में। अगर 65 को आप 1 से डिवाइड करते हो, देन उसका आंसर 65 ही आएगा। 7 को अगर आप 1 से डिवाइड करते हो तो उसका आंसर 7 आएगा। बहुत इजी है। आप यहाँ कौन सी डिजिट है जिससे आप अगर 1 डिवाइड करते हो तो आपका आंसर वापस 8 ही आता है, तो आप 8 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 8 ही आएगा। तो ये भी सेम होगा, 8 से आप 8 को डिवाइड करोगे देन आपका आंसर 1 आएगा। 0 से अगर आप 5 डिवाइड करते हो तो आपका आंसर 0 आएगा। तो समझ आया स्टूडेंट आपको, ये मैंने बुक में फिल कर दिया है, आप भी अपनी बुक में फिल कर लीजिए। ये एक्सरसाइज हम सिर्फ बुक में ही रहने देंगे, नोटबुक में नहीं करेंगे। नाउ कम ऑन एक्सरसाइज 28।
एक्सरसाइज 28 स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज वर्कशीट में करेंगे। यहाँ बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। वर्कशीट में हम इनमें से कुछ ही करेंगे, बाकी जो रेस्ट है इनकी प्रैक्टिस आप घर पे आप खुद सेल्फ करेंगे। नाउ कम इन वर्कशीट स्टूडेंट्स, योर क्वेश्चन इज फाइंड द क्वेश्चन व्हेन। यहाँ आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब जो आपका आंसर होता है उसे ही बोलते हैं क्वेश्चन। यहाँ आपको क्वेश्चन फाइंड करना है। 21 को आपको 3 से डिवाइड करना है, तो ये सिंपल मेथड है। ये आपने बहुत ही छोटी क्लासेस में किया हुआ ये वाला मेथड, आपको इस मेथड से ही इसे करना है। आप जो 3 है उसे इधर राइट करेंगे और जिसमें डिवाइड करना है वो आपको अंदर राइट करना है। अब आपको 3 की टेबल बोलनी है कि आप 21 पर आ जाएं। तो 3 की टेबल में 21 7 टाइम में आता है, तो आपको 21 के नीचे तो 21 ही लिखना है और जो 7 है वो आपका क्वेश्चन होगा। अब आप देख रहे हैं कि 21 में से अगर आप 21 लेस करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब आप डिवीजन करते हैं तो यहाँ आपको लेस करना होता है, सबट्रैक करना होता है। जब आप 21 में से 21 लेस करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, तो आप यहाँ 0 भी लिख सकते हैं और क्रॉस भी लगा सकते हैं। सो हमें क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन। तो आपका जो क्वेश्चन है वो आया 7। आपका सेकेंड एग्जाम्पल सेम इसी तरह से होगा, थर्ड भी इसी तरह से होगा। इसके लिए आपको टेबल्स लर्न करनी पड़ेगी। जब तक आप टेबल्स लर्न नहीं करेंगे आपको डिवीज़न नहीं आएंगे। ये जब तक आप टेबल्स लर्न नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कर सकते डिवीज़न। क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन गिव 12 बनानास टू 4 मंकीज इक्वली। एक मैन है, उसने 12 बनानास मंकियों को दिए हैं और 4 मंकीज ने उनको इक्वल इक्वल पार्ट्स में दिया है। हाउ मैनी बनानास डज ईच मंकी गेट। तो बताओ कि एक मंकी के पास कितने बनानास गए। एक मैन के पास 12 बनानास है और वहाँ पर 4 मंकीज है। उन 12 बनानास को 4 मंकीज को दिया है उन्होंने इक्वली, मतलब सबको बराबर बराबर दिए हैं। तो आपको ये बताने कि एक मंकी को कितने बनानास मिले। तो आप इसे इस तरह से करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बनानास, मतलब बनानास कितने हैं 12, टोटल नंबर ऑफ मंकीज, मंकीज कितने हैं 4। सो नंबर ऑफ बनानास ईच मंकी गेट, तो आपको 12 को 4 से डिवाइड करना है। 4 की टेबल आप इतने टाइम्स बोलेंगे कि आपका आंसर जो 12 है वो आ जाएगा। तो 4 3 12, सो आपका आंसर 3 आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आई हैव 25 बुक्स। मेरे पास 25 बुक्स हैं। आई कैन कीप 5 बुक्स इन 1 शेल्फ। मतलब आपको ये जो आपने एक शेल्फ में आपने 5 बुक रखी है, हाउ मैनी शेल्फ डू आई नीड इन माई अलमीरा। तो आपको ये बताना है कि आपकी अलमारी में आप कितनी शेल्फ है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आप कैसे बताएंगे, नंबर ऑफ बुक्स 25 है, एक शेल्फ में आप 5 रख सकते हैं। तो शेल्फ आई नीड इन माय अलमीरा, तो आपको अपने अलमीरा में कितनी ज़रूरत पड़ेगी। आपको 25 को 5 से डिवाइड करना है। जब आप 25 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 की टेबल आपको इतने टाइम्स भूलने की 25 आ जाए। तो 5 5 25, तो यहाँ पर आपको 5 राइट करना है। एक्सरसाइज 29, नाउ कम ऑन एक्सरसाइज 29 स्टूडेंट्स। टुडे इनफ फॉर टुडे, ये एक्सरसाइज हम लास्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बाय।